सिटी 42 के जेरे एहतमाम होने वाले लाहौर फेस्टिवल का आखिरी मरहला हॉर्स एंड टैटू शो 11 से 14 मार्च तक लाहौर रेस क्लब में पेश किया जाएगा, जिसमें खेलों के शौकीन लाहौरियों के लिए 4 रोजा भरपूर तफरीही प्रोग्राम पेश किया जाएगा। हॉर्स एंड टैटू शो में रेंजर्स के नौजवान जहां नेजेबाजी और तलवारजनी का मुजाहरा करेंगे, वहीं रात ढलने के साथ ही मशल और शमा परेड पेश की जाएगी। मशल परेड आग जबकि शमा परेड कुमकुमों के इस्तेमाल से पेश की जाएगी। मशल और शमा परेड के अलावा दीगर परफॉर्मेंसेज भी हॉर्स एंड टैटू शो का हिस्सा होंगी, जिसमें ना सिर्फ रेंजर्स के जवान खेल पेश करेंगे बल्कि फनकार भी अपने फन का मुजाहरा करेंगे। रिहर्सल देखने के लिए आने वाले लोगों ने मशल परेड देखने के बाद अपनी मुसर्रत का इजहार किया। इंशाल्लाह जरूर आएंगे, दोबारा देखने आएंगे, बहुत खूबसूरत लगे। शो के कोऑर्डिनेटर का कहना है कि तमाम रिहर्सल मुकम्मल कर ली गई हैं, मगर शो को बेहतरीन बनाने के लिए मशकें जारी हैं। मशल परेड करेंगे मुश्किल है, जिसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है हमें तैयार करने के लिए, लेकिन इस शो के लिए हमें टाइम बड़ा शॉर्ट मिला है। इसके बावजूद अल्लाह का फजल है कि हमने बहुत जल्द 15 दिन में ये शो तैयार कर लिया है, और माशाल्लाह ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा लोगों को जो महसूस करने के लिए। हॉर्स एंड टैटू शो 7 साल के बाद पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से लाहौर फेस्टिवल की अहमियत और भी बढ़ गई है। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ अली अनीक सैयद, सिटी 42।